हर हर महादेव। देखिए पिपरिया मध्य प्रदेश से मुदगल गोत्रीय गजेंद्र व्यास जी हैं, ये प्रणाम करते हुए एक प्रश्न लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो इनका प्रश्न है ध्यान से सुनिएगा, जो सार्वजनिक है सार्वकालिक है सर्वोपयोगी है। कई लोग हमसे फोन करके पूछ चुके हैं, तो आप लोग इसको सुनिए बिल्कुल मनोयोग से और दूसरे लोगों को भी बतलाइए। जहां तक मैंने देखा है वहां तक इसका गलत व्यवहार हो रहा है। शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कुछ कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रश्न को सुनिए तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, वे कह रहे हैं कि मूल नक्षत्रों में जन्मे हुए बालकों का सूतक पूरे कुटुंब को रहेगा या माता पिता को ही रहेगा, और ये कितने दिन तक रहेगा, 27 दिन तक या 10 दिन तक, ये तो मैं बतला रहा हूं। लोग 27 दिन तक जो है इसका सूतक मनाते हैं, माने 27 दिन तक पूजा पाठ नहीं करना है क्योंकि हमारे जो मूल नक्षत्रों में बालक हुआ है, तो पूरा परिवार 27 दिन तक सूतक मनाते हैं। ये सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल नक्षत्रों में जन्म हो या न हो, इससे सूतक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सूतक तो जो है वर्ण के अनुसार अन्य युगों में होता था, ब्राह्मणों को 10 दिन का, क्षत्रियों को 12 दिन का, वैश्यों को 15 दिन का और शूद्रों को 1 मास का। लेकिन महाराज शातातप मुनि के अनुसार ये वचन है कि कलयुग में सभी वर्णों के लिए 10 दिन का ही आशौच होता है, चाहे कोई कुल में जन्मे या कुल में कोई मरे। सुनिएगा, सर्वेषाम एव वर्णानाम सूतके मृतके तथा दशा क्षुद्रेतेषा मिति शाता तपो ब्रवीत। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु लिखा हुआ है कि सर्वेषाम एव वर्णानाम सभी वर्णों का सूतक जो जन्म का या मरण का, दशा क्षुद्धि सभी जन्म में मरण में वो वर्ण का सभी वर्णों का 10 दिन में शुद्धिकरण हो जाता है। इति शाता तपो ब्रवी, ऐसा महर्षि शाता तप ने कहा हुआ है। तो इस वचन के आधार पर कलयुग में 10 दिन का ही आशौच है। आप मूलों का ये जो कई तरीके की शांति हमने बतलाई है पीछे वीडियो में, अगर आप लोगों ने सुना हो। कई लोग ऐसे हैं वो सुनते नहीं है, लोग भेजते नहीं है। अरे भाई, सनातन धर्म का यदि आपको रक्षण करना है तो आप सुनिए इन बातों का, अनुसरण करिए और अपने जिनको इष्ट मित्र मानते हैं उनके लिए इनको भेजिएगा। ये भी एक कल्याणकारी है और ये मार्ग है। लोग पहली बात तो सुनते ही नहीं है, फिर सुनने के बाद वो करना तो बड़ा मुश्किल है और दूसरों को भेजना बड़ा मुश्किल है। और वैसी वैसी बातें जो बेमतलब की हैं, अरे भाई वो ये किसकी सरकार बन रही है, नेता नगरी वाली बात है और दुनिया भर की हंसी मजाक वाली बात है, एक दूसरे पे भेजते रहते हैं। देखिए उसने कैसी हंसी आई, कैसा हमने चुटकुला भेजा था, वो कैसा था, लेकिन ये शास्त्रीय बात कोई ने भेजता है ना, सुनना पढ़ना की बात ही छोड़िएगा, अनुसरण नहीं करता। इसलिए इनको आप लोग शेयर करिए, ये कोई हमारा काम नहीं है, ये सनातन धर्म का कार्य है, एक दूसरे को बतलाना। आजकल ये साधन हो गया है, कौन सुनने आ रहा है हमारे पास, कौन पढ़ने आ रहा है। इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि लोगों को शिक्षा दे, तो हम इसके माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ब्राह्मणों से और सद्विचारकों से सबसे ही निवेदन है कि ऐसी ऐसी जो बातें हैं जो है समाज में भ्रांतियां हैं, समाज के उद्धार के लिए जो जो यो शास्त्रों में निर्देश किए गए हैं, जिनको बड़े सरल और सुगम शब्दों में तथा कई जगहों से एकत्रित करके गुरु कृपा से यहाँ जो डाला जाता है, आप लोग उसको शेयर करें और श्रवण करें और अनुसरण करें। देखिए प्रत्येक वर्ण की, चारों वर्णों की कलयुग में जन्म और मृत्यु के बाद 10 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। यद्यपि जन्म से संबंधित कई तरीके की शांतियां हैं, दर्जनों शांतियों को मैं एक वीडियो में बतला चुका हूं, उनको सुनिएगा। उन्हीं के अंतर्गत ये 6 नक्षत्र जो मूल संज्ञक हैं, ये जो रेवती अश्विनी, अश्विनी रेवती ये दो, और मघा ज्येष्ठा मघा और मूल है ना,
मूल नक्षत्र, ये जो है आश्लेषा मूल, आश्लेषा मघा, ज्येष्ठा मूल और अश्विनी रेवती, ये छह नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों की जो घटी जब बिल्कुल पास में आ जाती है, पूर्व वाले नक्षत्र का अंतिम की घटी और बाद वाले नक्षत्र की प्रारंभ की एक घटी, ये जो समय है एक एक घटी, ये गंड मूल है। तो इसमें ज्यादा दोष होता है, बाकी के पूरे में ही दोष होता है, तो शांति करनी चाहिए। तो ये शांति करने के कई दिन बतलाए गए हैं पीयूष द्वारा टीका में। ये शांति, मूल शांति 8 वर्ष बाद भी हो सकती है, और मूल शांति जो है 100वें दिन 3 महीने बाद, 27वें दिन 12वें दिन अगर इन दिनों में नहीं कर पाए तो विवाह के समय पर भी ये शांति हो सकती है। ये मूल शांति जो है, ये मूल संज्ञक नक्षत्रों में जन्म होता है, तो सामान्य रूप से जन समुदाय में 27वें दिन करने का प्रचलन चल रहा है, जो कि ठीक है, आचार्य वशिष्ठ आदि के द्वारा सम्मत है। तो इसका जो है, कभी मूल शांति होने के बाद ही नामकरण संस्कार करें, ऐसा लिखा हुआ है। 12वें दिन भी कर सकते हैं अत्यावश्यकता में, या कोई छोटे मूल होते हैं जिनका विशेष कुप्रभाव नहीं होता है तो उनका हो जाता। अगर गोमुख प्रसव शांति पूर्वक, ज्यादा जो है जिनका दुष्प्रभाव लिखा हुआ है, तो पहले गोमुख प्रसव शांति और फिर मूल शांति। मूल शांति में भी अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग शांति है, ज्येष्ठा की अलग है, आश्लेषा की, मघा की, मूल नक्षत्र की, इन सब की नक्षत्रों की अलग अलग प्रकार की शांतियां शास्त्रों में बतलाई गई हैं। एक बात और खास, आजकल लोग ये मूल शांति को शास्त्र के अनुसार नहीं, मनगणंत रूप से करवाते हैं, मनगणंत रूप से मूलों को उतारते हैं, वो शांति कराते हैं। मनगणंतता क्या है कि किसी भंडारी को बुला करके, ये जो शनि का दान लेने वाले, शनि वाले होते हैं, उनसे मूल शांति करवा लेते। बताइए, ये तो शास्त्रीय विधान है, इसमें हवन होता है, पूजन होता है, उस मंत्र का जप होता है, बहुत बड़ा विधान है, सुबह से सायंकाल तक ये कार्य हो पाता है, कई पंडितों के द्वारा संभव है। और इसको गटरी के द्वारा कुछ आया और कुछ जलबल छिड़काया और वो सब कुछ करके अपना कर लेते, ये सब अनर्थ है। ऐसा करने से मूल उतरते नहीं है, मूल उस बालक के सिर पर चढ़े रहते हैं, और इसीलिए फिर वो जीवन में तांडव करता है, वो आप तांडव देख ही रहे होंगे। इसलिए मूल शांति शास्त्रोचित विधि से होनी चाहिए, समझे ना। आचार्य शौनक के द्वारा मूल शांतियों का विधान बतलाया गया है। अथाता संप्रवक्ष्यामि मूल जात हिताय च, माता पितरो धनस्यापि कुले शांति हिताय च, त्यागो वा मूल जातस्य स्याद् दष्टाब्द दर्श प्रदर्शनम अभुक्त मूल जाता नाम परित्यागो विधीयते। अगर गंड मूल में जन्म होता है तो अगर तो उस बालक को ही छोड़ देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका 8 वर्ष तक मुंह नहीं देखे, अथवा ये शांति करे, बड़ा विधान है। अदर्शने वापि पितु सतु तिष्ठे समाष्टकम एवं च दुहितुर्गेयम मूल जात फलम बुधा। पुत्र अथवा पुत्री दोनों का ही मूल शांति होना चाहिए। मुख्य कालम प्रवक्ष्यामि शांति होम से प्रयत्नता जातस्य द्वादशा हेतु जन्मरक्षम वा शुभे दिने। जो जन्म लेता है उसके 12वें दिन अथवा जन्मरक्षे, जब जन्म नक्षत्र लौट करके आ जाए 27वें दिन, और उस 27वें दिन कोई आपत्ति हो नहीं कर पाए तो फिर 3रे महीने में लौट करके आए तब करना चाहिए। समाष्टके वा मितिमान कुरियात वही शांति मादरात यदैव शांतिकम कुरियात कर्म तत्र प्रचक्षमहे सुसमे पुण्य देशे तु मंडपम कारयेद बुधा। बिल्कुल मंडप इत्यादि बना करके ये शांति का विधान कर रहे हैं आचार्य शौनक। तो इस तरीके से शांति का विधान है, विधिवत शांति करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। और सूतक आदि तो 10 दिन के बाद निवृत्त हो जाएगा, फिर 27वें दिन आप करते हैं तो 27वें दिन उसकी शांति करा के
और फिर नामकरण का मुहूर्त देख करके फिर शुभ समय में नामकरण करना चाहिए। और यदि कोई शांति का हेतु उपस्थित नहीं है तो 12वें दिन ही नामकरण अथवा 11वें दिन नामकरण करना चाहिए, 11वें या 12वें दिन नामकरण होना चाहिए। और 12वें दिन यदि शांति का विधान है, 12वें दिन अगर शांति कर रहे हैं तो 12वें दिन शांति करने के बाद फिर नामकरण बिना मुहूर्त के ही हो सकता है नियत कालत्वा, तो उस समय नामकरण करना चाहिए। ये प्रक्रिया है। इस प्रकार से 27 दिन तक जो आशौच नहीं मनाना है, 10 दिन तक ही आशौच मनाना है, 11वें दिन से पूजन इत्यादि सब कर लेना है। हर हर महादेव।